अंबाला में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अंबाला में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब हर व्यक्ति मोबाइल फोन पर ही देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट अधिकारी के सिग्नेचर से अटैच्ड होगी। साथ ही इस कोविड रिपोर्ट को मेडिकल रूप में भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी विभागों में छुट्टी के लिए व अन्य जगह जहां पर भी कोविड रिपोर्ट मांगी जाती है प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए व्यक्ति को कोविड 19 रिपोर्ट अंबाला पर जाकर अपनी ICMR ID डालनी होगी, जो उसे सैंपल के समय दी जाएगी। रिपोर्ट साइट पर टेस्ट करवाने के 24 से 36 घंटे में अपलोड कर दी जाएगी। बता दें कि अंबाला में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज से ही शुरू किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कुलदीप सिंह ने इसके बारे में बताया कि आज से ही अंबाला में आम जनता को कोरोना रिपोर्ट मोबाइल पर मिलनी शुरू हो जाएगी। अंबाला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया है। इसके लिए एक वेबसाइट जनरेट की गई है। जिला मोलिक्यूलर लैब अंबाला में हर रोज कोरोना के औसतन 2000 सैंपलों की जांच की जाती है। अब व्यक्ति अपनी कोरोना रिपोर्ट वेबसाइट पर जाकर ले सकेगा। ये रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट होगी और सभी संस्थानों व जरूरत की जगह पर वैलिड होगी। जल्द ही इसी तर्ज पर बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स भी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्मेट में शुरू कर दी जाएंगी। देखिए, पहले एक मरीजों को दिक्कत आती थी, जो भी RT-PCR टेस्ट अपना करवाते थे डिस्ट्रिक्ट मोलिकुलर लैब अंबाला में, उनकी सैंपल जाते थे और वहाँ से रिपोर्ट आती थी। वो रिपोर्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन को भेजी जाती थी, फिर मरीज को वहाँ तक जाना पड़ता था और मरीज को प्रॉपर फॉर्मेट में रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी, क्योंकि ICMR की वेबसाइट पर ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। तो हम अब मरीज अपनी ID डाल के उसके पास OTP आएगा और OTP से वो अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकेगा। हमने वेबसाइट जनरेट की है जिससे कि प्रॉपर फॉर्मेट में, और वो रिपोर्ट वैलिड होगी, चाहे कहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो, चाहे किसी स्टेट में या किसी और पर्पज़ के लिए पेशेंट को जाना पड़े। तो ये हमने कल से ये स्टार्ट किया है और हम ये सोच रहे हैं कि सोमवार तक ये प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नहीं, अंबाला छावनी में नहीं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मोलिकुलर लैब अंबाला है, लगभग 2000 सैंपल पर डे प्रोसेस कर रही है। 2000 रिपोर्टें जनरेट करने में आपको पता है कितनी मैन पावर कंज्यूम होती है, भी अलग अलग बंदों को रिपोर्ट देने के लिए। अब इसमें जो सैंपल जो टेस्ट करवाएगा उसी के पास जो उसका मैसेज जाएगा, मैसेज में से उसने अपना ICMR ID डालनी होगी या SRF ID डालनी होगी, और SRF ID से उसका जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे लैब रिपोर्ट आपको और लैब रिपोर्ट मिलती है, इसी तरह इसकी रिपोर्ट उसको मिल जाएगी। सर, क्या सभी टेस्टों की रिपोर्ट मिली है, कुछ खास टेस्टों की रिपोर्ट मिली? जो डिस्ट्रिक्ट मोलिकुलर लैब अंबाला में जो टेस्ट होंगे उन्हीं की रिपोर्ट इससे मिलेगी, और अभी हम जो RT-PCR की रिपोर्ट है या ट्रूनाट मशीन से जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, सिर्फ उन्हीं की रिपोर्ट अभी हमने इस पे लागू की है। आने वाले दिनों में ये है कि बाकी जो कैंट में मशीनें आई हैं, वो इम्यूनोसर की मशीन हो या फुली ऑटोमेटिक मशीन हो, उसमें हम सारी की सारी रिपोर्टें प्रिंटेड और इसी फॉर्मेट में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 1 अप्रैल से IHIP प्रोटोकॉल लागू करने जा रहे हैं। तो उसके तहत सारे के सारे जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। वो रिपोर्ट विद इन 24 आवर पे जनरेट हो जाएगी, और उसने अपनी SRF ID जो उसके ऊपर जो उसके पास मैसेज आता है टेलीफोन पे, तो या अपना टेलीफोन नंबर या ICMR ID अपनी उसके ऊपर डालनी होगी। हाँ, जो अभी तक स्ट्रोक मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए जो हम ये है कि थ्रोम्बोलिसिस के लिए पेशेंट को बाहर जाना, और उसमें 6 घंटे का डिले हो जाता था और उसके कारण कोई पेशेंट को काफ़ी नुकसान होता था, तो हमने स्ट्रोक मैनेजमेंट अभी अंबाला कैंट से स्टार्ट कर दिया है, और इसके लिए जो ज़रूरी मशीनें हैं INR मशीनें हमने प्रक्योर कर ली। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक